अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम साधु चौधरी हेयर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आखिर वो कौन सी कंडीशन है जिसको यूज़ करते हुए हम टू मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि एक कंडीशन थी एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, कि टू मैट्रिसेस को हम तब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे भी एक मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कंडीशन बताई गई, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही हम उन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकेंगे। कंडीशन क्या है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी वो मल्टीप्लाई करने के काबिल होंगे इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के, जो हमारा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स होगा ए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स यानी इनमें कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल होगी, नहीं इक्वल होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी यानी सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए किसके, सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 4, 3, 6 और एक बी मैट्रिक्स है वो कितना है, 1, 7, 1, 5, चलिए 1, 5 लिख लेते हैं, 1, 5, 7, 0। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 2, और इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और ये क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। सो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 1 एंड 2 एक इस तरह का मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं, लेकिन एक बी मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, यानी इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है किसके, नंबर ऑफ रोज के। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए मल्टीप्लाई सिर्फ उसी सूरत में होंगे जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसे ही हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी एडिशन वाले केस में, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, कि यानी किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में हम ऐड करते हैं और हमारे पास रिटर्न में फर्स्ट मैट्रिक्स वापस आ जाता है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी थी। उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स बी, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए। ये जो बी है इस ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा अगर हम इन दोनों को आपस में, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा के ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के तहत इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ए वापस रिटर्न में आ जाएगा। यानी बी को हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या बी को हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स के, तो रिटर्न में हमें वापस क्या मिलना चाहिए, हमारा ए मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो तभी आपका जो ये बी मैट्रिक्स है वो इस ए वाले मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। जी जी व्यूवर्स, एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी जितने भी हमें पार्ट्स दिए हुए हैं उन पार्ट्स के बारे में हमने ये बताना है कि क्या वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है, फर्स्ट पार्ट के जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज है 1, -1, 0 एंड 2 और सेकेंड मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो -2 एंड 3 है। और मैंने आपको मल्टीप्लाई करने की कंडीशन बताई है तो हम उसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकेंगे, मल्टीप्लाई। अब कॉलम्स ऑफ देख लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं, वो हमारे पास है 1 एंड 2, टू कॉलम्स हैं। अब रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स कितनी है, 1 एंड 2, वो भी 2 है। अब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सो दीज टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी तो हम लिख देंगे कि दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो इस क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा।
जी जो क्वेश्चन नंबर 2 है 1.4 एक्सरसाइज का, वो उसकी स्टेटमेंट ये है कि ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है जिसकी एंट्रीज क्या है 3, 0, -1 एंड 2, और बी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज क्या है 6 एंड 5, और हमने फाइंड क्या करना है ए बी, यानी हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। और सेकेंड पार्ट में वो कहता है बी ए निकाले इफ पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल है तो। पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने ए बी निकाला है, तो ए बी मीन्स पहले कौन सा मैट्रिक्स आएगा आपका ए वाला, फिर उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स आएगा आपका बी वाला। और हमें हमने पहले ही कंडीशन बताई है कि टू मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो किसके, सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं 2, यानी C1 एंड C2, और इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है R1 R2, ये दोनों आपस में इक्वल है। हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो को हम सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम से, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा किससे 6 से, और दरमियान में ऑलवेज हम प्लस साइन लगाते हैं, और 0 मल्टीप्लाई होगा हम किससे 5 से, यानी फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा। अब ऑब्वियसली इसके बाद नेक्स्ट कोई कॉलम नहीं है, तो हम सेकेंड वाले कॉलम पर आ जाएंगे, सेकेंड वाली रो पर आ जाएंगे। अब सेकेंड वाली रो जो है वो इसी कॉलम से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, अब ये सेकेंड रो में था इसलिए सेकेंड रो का एलिमेंट बनेगा। -1 किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 6 3 द 18 एंड 0 5 द 0, 6 1 द -6, 5 2 द 10, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 18 एंड 4, यानी 18 प्लस 0 18 एंड -6 प्लस 10 डेट इज इक्वल टू 4। हमने ए पार्ट निकाल लिया, यानी हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि आपने बी एंड ए को मल्टीप्लाई करना है। अब हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, हम पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे बी का 6 एंड 5, और उसके बाद किसका लिखेंगे ए का। अब जब हम इनको चेक करते हैं, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, और सेकेंड के कितने हैं नंबर ऑफ रोज हैं 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, तो हम इनको क्या कर आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा क्योंकि इनके आपस में रोज एंड कॉलम के जो तादाद है वो इक्वल नहीं है, सो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जी एक्सरसाइज 1.4 का जो थर्ड पार्ट है वो है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिनमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दूंगी, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने रिमेनिंग पार्ट्स को क्या करना है सॉल्व करना है। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 हैं, इसके नंबर ऑफ रोज भी कितनी हैं 2 हैं, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में क्या कर सकते हैं ईजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करना पिछले पार्ट में भी बताया है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, और यहाँ पे है ही जस्ट 1 रो एंड 1 कॉलम, तो जस्ट ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया 4 1 द 4 प्लस 0 डैट इज इक्वल टू 4, तो हमने दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसका एक पार्ट सॉल्व कर लेंगे। जी व्यूअर्स, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है उनको हमने आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिखने की बजाय मैंने इसका डी वाला पार्ट लिखा ही नहीं, ए वाले पार्ट की बजाय मैंने डी वाला पार्ट लिखा है। हम डी वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना फिर से सीखते हैं। फर्स्ट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, यानी 8 मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, 5 मल्टीप्लाई होगा किससे -4 से। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री है इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रही है। अब नेक्स्ट एक और कॉलम है, हम इसी वाली रो को आप इस सेकेंड वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये एंट्री किस में आएगी फर्स्ट रो में लेकिन सेकेंड कॉलम में, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे -5/2 से, एंड 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। अब इसी तरह से फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकेंड रो की बारी आ जाएगी नीचे वाली रो की, 6 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से 2, और 4 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 6 मल्टीप्लाई होगा -5/2 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 8 टू द
4 द, ये माइनस एन इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 6 टू द 12, 6 6 द 4, 4 द 16। अब यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2 एंड 2 4 द 8 एंड 5 4 द -20 एंड नेक्स्ट 5 4 द +20। यहाँ पे 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6 -15 एंड +4 4 द 16। अब नेक्स्ट हम इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ से 16 माइनस 20 है तो -4 आ जाएगा, 12 माइनस 16 है तो ऑल्सो -4 एंड नेक्स्ट यहाँ से 0 और यहाँ से 1। तो हमने इन दोनों मैचेस को आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। जी व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो है कि लेट ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स आपके पास ये है और सी मैट्रिक्स आपके पास ये है, देन वेरीफाई। कुछ पार्ट्स सेम हैं, उन पार्ट्स को हमने वेरीफाई करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। मैंने उसमें से थर्ड पार्ट लिख लिया है, बाकी जितने पार्ट्स हैं वो आप खुद ही सोल्व कर लीजिएगा, इन्हीं स्टेप्स पे वो भी सोल्व हो जाएंगे और प्रूफ हो जाएंगे। अब हम लोगों ने जो थर्ड पार्ट लिखा है इसका फर्स्ट यानी स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आया जो हमने फाइंड करनी है, ए इंटू बी प्लस सी, यानी हम लोगों ने पहले बी और सी मैट्रिक्स को प्लस करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से करना है। अब बी प्लस सी निकाला है हमने, तो बी मैट्रिक्स आपका 1 2 -3 -5 प्लस सी मैट्रिक्स आपका क्या है, 2 1 1 एंड 3। जब हम इनको प्लस करेंगे, फर्स्ट वाली एंट्री फर्स्ट में प्लस होगी 3, सेकेंड वाली सेकेंड में होगी तो ऑल्सो 3, -3 +1 -2 -5 एंड 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, -2। आपने इनको प्लस कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए इंटू बी प्लस सी करना है, यानी फर्स्ट पहले कौन सा मैट्रिक्स आएगा, फर्स्ट पे ए का मैट्रिक्स आएगा, फिर इसके साथ हमने जो ये रिजल्ट निकाला है इस रिजल्ट को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सारे स्टेप्स नहीं लिखती तो, बट आप लोगों ने सारे स्टेप करने हैं। -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, 3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा, नेक्स्ट फर्स्ट रो आपकी जब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -3 आएगा एंड 3 टू द क्या आएगा, -6 आएगा एंड 2 3 द 6 आ जाएगा। अब सेकेंड और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 द 6 एंड नेक्स्ट 0 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 2 द 6 प्लस 0 जब -2 से होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो इसका जो रिजल्ट आया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का वो क्या आएगा, -9 -9 6 एंड 6। अब हम किसकी तरफ चलते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या उससे भी हमें यही रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। राइट हैंड साइड पे हमने ए बी प्लस ए सी, यानी पहले हम लोगों ने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को बाद में क्या करना है, ऐड करना है। पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी का मतलब है पहले कौन सा मैट्रिक्स आएगा आपका, ए वाला, फिर कौन सा आएगा, बी वाला, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 द -1 एंड 3 3 द -9 -1 2 द क्या आएगा, -2 फर्स्ट और सेकेंड कॉलम से एंड 5 3 द 15, 2 1 द 2 एंड +0, 2 2 द 4 एंड नेक्स्ट 0। हम इसका रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, -10 2 एंड -17 एंड 4। ये हमारे पास ए बी को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया। अब हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, यानी ए एंड सी को, ये वाला पार्ट निकालना है। ए हमारे पास -1 2 3 एंड 0 है और बी हमारे पास क्या है, सॉरी सी क्या है, 2 1 1 एंड 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आ जाएगा, जी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, यानी जब इसे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 2 द -2 एंड 3 1 द 3 आ जाएगा, -1 1 द -1 एंड 3 3 द +9 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 2 द 4 एंड 0 आ जाएगा एंड 2 1 द 2 एंड 0 3 द 0। तो इसकी जो एडिशन है वो 1 8 एंड 4 एंड 2 आ गई। अब हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, एक ये रिजल्ट आ गया, एक ये रिजल्ट आ गया। अब हमने इन दोनों रिजल्ट को क्या करना है, आपस में ऐड करना है, यानी ए बी
प्लस ए सी करना है। तो अब ए बी का रिजल्ट आपके पास क्या था, -10, 2, -11, 4, और नेक्स्ट बी का आपके पास क्या रिजल्ट था, सॉरी हमने इनको प्लस करना है, इनके दरम्यान कौन सी लामत आएगी, प्लस की, और नेक्स्ट 1, 4, 8 एंड 2। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, -10, +1, -17, +8, 2, +4 एंड 4, +2। यहाँ से क्या आ गया, -9, 17 में से 8 चले गए तो अगेन -9, 4 एंड 2, 6 एंड 4 एंड 2, 6। अगर मैं आप इस रिजल्ट को कंपेयर करूँ विथ दिस रिजल्ट, तो दोनों आंसर क्या है, सेम। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ गई, आपकी राइट हैंड साइड, यानी बी प्लस सी को जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही रिजल्ट आता है कि जब हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए सी को मल्टीप्लाई करें, देन उनको क्या करें, ऐड करें। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। जी, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट है कि फॉर द मैट्रिसेस, यानी ए बी सी, 3 मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं, और 3 मैट्रिसेस के लिए हमने प्रूव करना है 2 पार्ट्स इसके हैं, के पार्ट है, के पार्ट है, इनमें से एक पार्ट जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा। अगर हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपके पास ए बी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज है, और फिर बी ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज, यानी ए बी को आपने मल्टीप्लाई करना है, उसका ट्रांसपोज देना है, उसका जो आंसर है वो किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज लेके ए का ट्रांसपोज लेके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों आंसर्स क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमने ए बी ट्रांसपोज निकालना है, तो ए बी ट्रांसपोज के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए बी, यानी हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किस से, बी मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स की एंट्रीज -1, 3, 2 एंड 0 है, और बी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है 1, -3, 2 एंड -5 है। मैं इनको फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, 3 जब 3 से होगा तो प्लस का साइन आएगा, 3 सीधा -9 आएगा, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -2, एंड 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +-15 आ जाएगा। नेक्स्ट 2, 1 था 2 एंड 0 जब 0, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, एंड 0 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपने इसका क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ऐड एंड सबट्रैक्ट कर लिया, तो -10 आ गया, यहाँ से -17 आ गया, नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 4 आ गया। अब हमने इसका क्या लेना था, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये थी कि जब हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आता है वो पहले पहले मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। अब इसकी फर्स्ट रो है -10 एंड -17, वो फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगी, तो सेकंड रो है वो भी किस में लिख दूंगी, सेकंड कॉलम में लिख दूंगी, तो ये इस वाले मैट्रिक्स का हमारे पास नीचे क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमें निकाला है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकालना है, तो हम पहले बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1, -3, 2 एंड -5। अच्छा, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई। अब ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, -1, 2, 3 एंड 0, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो -1 एंड 3 फर्स्ट कॉलम बन गई, 2 एंड 0 सेकेंड कॉलम बन गई। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यानी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, पहले कौन सा मैट्रिक्स आएगा, बी वाला, बी ट्रांसपोज वाला, फिर कौन सा मैट्रिक्स आएगा, ए ट्रांसपोज वाला। अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -1 मल्टीप्लाई होगा -1, 1 3 से होगा तो +3, आपके पास मल्टीप्लाई होके आ गया, सॉरी 1 जब -1 से होगा तो -1, -3 जब 3 से होगा तो आपके पास आएगा -9, एंड 1 जब 2 से होगा तो 2, और 3 जब इससे 0 से होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, +0। 2 अंदर 2 एंड -3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 जब होगा -1 से तो -2 आ गया मल्टीप्लाई, -5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास -15 आ गया, और जब 2 2 से होगा तो 4 बन गया, एंड -5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ ऐड करके रिजल्ट क्या आया, -10, यहाँ क्या आया 2, यहाँ क्या आया -17, और यहाँ क्या आया 4। अब अगर मैं इस रिजल्ट को अपने इस रिजल्ट के साथ कंपेयर करती हूँ तो दोनों रिजल्ट सेम है, तो इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी हम जब ए बी का प्रोडक्ट लेके ट्रांसपोज लेते हैं वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मैं 1.5 से रिलेटेड डेफिनेशंस और 1.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करना बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।